नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति जमशेदपुर की ओर से साक्षी पुराना कोर्ट के समीप अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया गया। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर एवं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं सभा के माध्यम से उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि वर्तमान देश में 2 धाराएं चल रही हैं, एक भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत, दूसरी ओर मनुवाद का भारत। हमें भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों को साकार करने की आवश्यकता है और देशवासी एकजुट होकर मनुवाद को समाप्त करना होगा। यही वजह है कि पिछले दिनों पूरे देश की एकजुटता की वजह से काले कृषि कानून को मनुवाद की सरकार, पूंजीवाद की सरकार को वापस लेना पड़ा। आगे भी इसी तरह से भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को एकजुट रहना होगा, तभी उनके सपनों को हम लोग साकार कर सकेंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वीं परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस जगह डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के तरफ से ये प्रोग्राम साक्षी भीमराव चौक पर रखी गई है और खास करके मनाने का मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समय से पहले जो गुजर गए, उनका जो सपना था भारत, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। हम आम जनों से ST/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था देश में बराबरी का शिक्षा से लेकर के हर एक चीज का जो बराबरी का सपना था वो जो पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए संकल्प ले। और इसके लिए देख रहे हैं कि अभी 2 धारा काम कर रही है। एक धारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत और दूसरा है मनुवाद का भारत। तो मनुवाद के खिलाफ हम लोग को संघर्ष में उतरना है, उसका विरोध करना है और हर एक मोर्चे पर हम उसको मात देने के लिए कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। कृषि कानून को तो वापस उनको लेना ही था, ये तो लड़ाई पूरा देश में मनुवाद का है या अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत का है। जो संघर्ष है पूंजीवाद और इसके साथ साथ राजतंत्र फिर से जो लाना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ जो पूरा देश भर में 1 साल से ज्यादा समय तक जो संघर्ष चला और आम जनता जो इसमें इन्वॉल्व होने लगी, उनको संकट दिखलाई देने लगा कि जो मनुवाद है आज ही से खत्म होने जा रहा है और अगर बरकरार रखा गया, अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो आने वाला चुनाव में उनकी सफलता हाथ नहीं लगेगी और आम जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन या यहां तक कि सेना तक भी विद्रोह कर सकती है। इससे भयभीत होकर ही उन्होंने कृषि कानून जो बनाए थे उसको वापस लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।